घर से निकली हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स लेनी है मेकअप की, और गर्मी बहुत थी जब घर से निकले हैं। थोड़े थोड़े बादल बन रहे थे, लेकिन वापसी पे आप देखिएगा क्या होता है। रिजल्ट है इसका। लैनकॉम, ये ड्यूब है किसी का या कॉपी या ओरिजिनल ही है? नहीं ओरिजिनल ओरिजिनल है, वाटरप्रूफ है। खोल के दिखाएगा ज़रा इसका स्वैच। और लिपस्टिक्स लगता आई हुई है कि नहीं, ख़त्म भी हो गई हैं या तो कोई अच्छी वाली लिपस्टिक्स भी दिखाएं, मुझे लेनी है। न्यूड हाँ न्यूड भी हो, थोड़ी सी ब्राइट भी हो, जैसे आजकल गर्मियों के हिसाब से होती हैं। ये तो मैं लेकर गई हुई हूँ, ये और वाली हैं वो तो अच्छी निकली नहीं थी पिछली वाली ना। मैट में दिखाएं, मैट में जो ग्लॉस हैं कुछ के वो ज़रा से ज़्यादा मैं यूज़ किए हैं। ये सॉरी आप बंद कर लें, ये बंद कर लें। अच्छा ये न्यू आए हैं, पैकेजिंग तो बहुत मज़े की लग रही है, अच्छी लग रही है। कौन सी ब्रांड है ये? फॉग लिप ग्लेस। रोमांटिक अच्छा ये कितने का एक है? ये 250 ट्वेंटी 250 का। फोर सारे न्यू आवर्स शेड है इसमें, सारे न्यू ये पीच है, रेड थोड़ा सा कोई डार्क शेड कुछ अलग से निकल, में से है। कुछ पिंकी स्टोन में दिखाएं मुझे, थोड़ा पिंकी स्टोन में चाहिए। ये ज़्यादा ही शार्पिंग हो गया, ये सेम ही हो गए। पर्पल स्टोन है, देख अच्छा ये रेड में आ जाते, बहुत ज़्यादा रेड स्टोन आ जाती है। लेकिन ये थोड़े मज़े के लग रहे हैं, इनमें से ढूंढने ही पड़ेंगे कलर्स भी अच्छे। ये तो सेम ही कलर है ना, टोटल तीन या चार, तीन नहीं कलर है। डिफरेंट है सिक्स कैप तो सेम ही है, सिक्स चीज़ इन शेड्स के हैं। और ये इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? ये हाइलाइटर है, ये वाला पिंक ब्लश ऑन और हाइलाइटर के साथ जो। अब अच्छे 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 वाले कोई हाइलाइटर दिखाए ना। ये नेल्स दिखाइएगा भाई, ये जो अंदर है पैक। इसमें शादी भी होती है, फैंसी जाती है। अच्छा भाई वो ब्लीच लगाने वाला ब्रश पड़ा हुआ है ना, वो भी निकाल दें, पॉलिशर ब्लीच लगाने वाला। एक अच्छा सा ट्यूजर भी दें, और एक ना वो ब्लीच लगाने वाला था। नेल पेंट के कलर कितने मजे के, ये कितने का नेल पेंट है? 150 150 का अच्छा लग रहा तो है मेरे पास। ये वाला ना, ये हाइलाइटर ये अच्छा वाला है। ये कितने का है हाइलाइटर? 350 इसका गोल्ड कलर मजे का लग रहा है। थ्री फिफ्टी में ये तीन हाइलाइटर है, ये तो ब्राउन्जर के यूज़ हो जाता है, सबसे ज़्यादा मेटालिक यूज़ होता है। तीनों यूज़ हो रहा है, वो तो मिक्स करके होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये होता है। सिल्वर टोन में आ रहा है। और यहाँ पे वाकई में बहुत मज़े की चीज़ें मिल गई थी मुझे, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी थी जो कि थोड़ी सी कॉपी में भी थी, ड्यूब में भी थी, ओरिजिनल में भी थी। तो आपको कभी कभी कॉपी और ड्यूब भी इतना अच्छा मिल जाता है आपको, इसका जो बना होता है कॉपी में
वो भी अच्छे होते हैं, और उसका जो ड्यूब होता है वो भी अच्छा हो जाता है। और यहाँ पेंसिल्स कलेक्शन इतनी ज़्यादा थी, फेशियल का भी काफ़ी सामान था, नेल पेंट बहुत अच्छी अच्छी पड़ी हुई थी और सस्ती वाली थी। ये 150 की नेल पेंट जो थी ना वो मैंने 100 में ले ली थी। और लिपस्टिक के जो शेड्स थे वो भी अलग से, जो लिप शेड होते हैं वो भी बड़े ही अच्छे शेड थे। और मैंने लिप जो चीज़ें ली हैं वो आगे जाके आपको घर जाके मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी और बताऊँगी भी क्या क्या लिया है, आप लोगों को दिखाऊंगी। और दूसरा ये कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी शॉप हो जो घर के पास ही हो, और ये देखिए मैंने एमली का ये ब्रश लिया है। ये एमली का ब्रश जो है बहुत ही अच्छा है। एमली की जो चीज़ें हैं ना वो ओरिजिनल होते हैं, उसका कोई ड्यूब वगैरह नहीं आया, लेकिन उसकी चीज़ें पहले बहुत सस्ती मिल जाती थी, अब बहुत महंगी हो गई हैं। तो इसका ब्रश जो है बहुत अच्छा था, और ये वाला ब्रश भी मैंने जो है वो पॉलिश वगैरह ब्लीच लगाने के लिए लिया है। तो ये भी भाई ने मुझे 150 में दिया था। वैसे अगर आप किसी और मार्केट में चले जाओ वहाँ पे 250 के ब्रशेस पड़े होते हैं, 250 200, तो आपको 100 या 150 में तो नहीं मिलता, तो 300 वाला भी होता है। आप तो खैर इतनी महंगाई हो गई है और ये प्राइजेज हो गए हुए हैं, तो ये मैंने चीज़ें जो ली हैं इनका मैं घर जाके आपको बताऊंगी, रिव्यू दूंगी। और अगर आपके घर के पास भी इस तरह के से कोई स्टोर हो या कोई ऐसा जो लोकल स्टोर हो, वहाँ से ज़रूर एक दफ़ा विज़िट किया करें, कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिल जाता है कम कीमत में। बस थोड़ी सी कोशिश और मेहनत की ज़रूरत होती है, फिर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें ले ही पाते हैं। तो यहाँ पे घर वापसी पे देखें इतनी आंधी आ रही थी, तूफान था कि बस बड़ी मुश्किल से मिट्टी जो है ना वो आँखों में जा के अशर हो गया था। मौसम पर मज़े का हो गया था जी जनाब। ये है मेरी स्मॉल शॉपिंग, छोटी सी समझ लें शॉप से, लोकल शॉप है जिनके पास बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको अच्छी क्वालिटी की भी मिल जाती हैं, सस्ती मिल जाती हैं और अच्छी मिल जाती हैं। ये नहीं है कि अच्छी जो चीज़ें हैं वो महंगी चीज़ें अच्छी होती हैं, सस्ती और अफोर्डेबल चीज़ें भी आपको जो है मिल जाती हैं और वो अच्छी होती हैं। और ये जो लिपस्टिक है ना ये बहुत अच्छी है। मैंने इसके इससे मज़े का मुझे ये चूज़र लगा है, जो कि ना काफ़ी टाइम से मैं चाह रही थी कि कोई इस टाइप का चूज़र मिले। ये देखे ना ये वाला, ये जो बारीक से बारीक बाल होता है उसको भी ये निकाल देता है। छोटा सा बाल भी अगर स्किन के अंदर हो ना तो ये इसको इजीली बाहर निकाल देता है, तो ये बेस्ट है। तो ये वाला जो है ये 2-in-1 है और यूँ इस तरह से बना हुआ है। ये देखें 2-in-1 आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, ये बहुत अच्छा है। तो ये भी लोकल मार्केट लोकल शॉप से मुझे ये कितने का पड़ गया, ये वाला 150 का, 200 भाई ने बोला, मैंने जो है वो बार्गेनिंग की तो मैंने 150 में ये ले लिया। ब्यूटीफुल पीपल्स देखे, रात के टाइम कितनी अच्छी बारिश हो रही है, शाम के टाइम इस कदर आंधी थी, मिट्टी थी, लेकिन मौसम ठंडा हो गया था। उस पर भी रब का शुक्र अदा किया था कि साथ ठंडी हवा तो थी, चलो आंधी मिट्टी कोई बात नहीं खैर है, लेकिन हवा ठंडी थी। अल्लाह का करम है कि 2 दिन से शदीद गर्मी थी, इतनी गर्मी कि समझ ही नहीं आ रही थी कि ये गर्मी कब ख़त्म होगी। और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी अच्छा मौसम कर दिया है। हवा देखिए, खजूर का दरख्त कितना हिल रहा है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि इतनी ठंडी हवा चल रही है और तेज़ हवा है, ठंडी है, बारिश हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है।